एक ग्रिजेश वशिष्ठ का अडानी का असली मुसीबत शुरू होता है। ये वीडियो देखने के बाद पता चला कि जुलाई में उसका बॉन्ड रिन्यूअल पे आने वाला है। अभी इसके पास पैसे तो है नहीं, तो देने वाला नहीं है, और ये खबर मार्केट में और फैलेगी और बहुत सारा बुरा खबर यूट्यूबर्स उठा के बोल रहे हैं। जिसके पैसे अटके हैं उसको मेन स्ट्रीम से न्यूज़ नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब पे देखेगा वो, और बहुत सारे लोग तो यूट्यूबर ही फॉलो करते हैं क्योंकि मीडिया पे पूरा फेक न्यूज़ रहता है, प्रोपेगेंडा रहता है। अभी जिसके पास जिसका पैसा डूबा है वो तो पैनिक हो गया रहेगा और वो ढूंढता रहेगा रीज़न बिहाइंड इट। जैसे 2018 में इथेरियम 18-19 में इथेरियम लॉस में गया था, मैं देख नहीं रहा था क्योंकि मैंने जो प्राइस पे लिया था काफ़ी हाई था उससे, लेकिन जब मार्केट लगातार गिरने लग गया फिर मैंने चेकिंग किया, अरे ये क्या हो रहा है, पैसा डूब रहा है, मतलब क्यों नीचे गिर रहा है। फिर मैंने देखा वो और वैसा पता चला, लेकिन वी आर ऑप्टिमिस्टिक क्योंकि फ्यूचर तो क्रिप्टो ही है, लेकिन मार्केट लगातार गिरते ही जा रहा है और सारे जो सब्सक्राइबर थे वो गालियां देने को लग रहे थे कि तुमने बोला था ये तभी बढ़ेगा अभी बढ़ेगा, नुकसान में जा रहा है। और ये FTX जो डूबा है, आई नेवर थॉट कि FTX डूबेगा, क्योंकि FTX के संबंध डायरेक्ट SEC के साथ, सारे बैंक मतलब जो पैसा छापता है उनके साथ है, और डेमोक्रेट का फाइनेंसर भी हो, यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को सपोर्ट भी कर रहा था, तो मेन स्ट्रीम फाइनेंस का आदमी था जिसके दोस्त लोग टॉप पोजीशन पे थे, उसको पैसा छाप के देंगे ऐसा मुझे लग रहा था, बट एक्चुअल में वैसा नहीं हुआ। और अभी वो कैसा एक नीच कमीना था, टेदर को डूबा रहा था, सारे एक्सचेंजेस डूबा रहा था, अगर वो बचता था, बाइनेंस ने अगर उसको नहीं डुबाता था तो पूरा क्रिप्टो मार्केट रेगुलेटर्स के हाथ में दे देता और अपन सब लोग काफ़ी मुश्किल में आ जाते थे। अच्छा हुआ डूब गया, तो उस पर केस भी हुआ, अरेस्ट भी हुआ, छूटा, लेकिन FTX अभी क्या है, ज़ीरो है, और वो शायद कभी रिकवर नहीं होगा भले सॉफ्टवेयर बना के रखा है, क्योंकि FTX जैसे बहुत सारे एक्सचेंजेस खुलते हैं और इतना डूबने के बाद तो आई हैव नो आइडिया अबाउट FTX, बट मुझे नहीं लगता वो तो ख़त्म हो गया, वाइप आउट हो गया। अभी ये चलो बॉन्ड रिन्यूअल को आएगा, शेयर का मार्केट गिर रहा है, और इसका शेयर जिसने बैंक ने रखा है अगर वो सेल करेगी और गिरेगा, और इसने चीटिंग की है इसमें कोई शक नहीं है, इसने झोलझाल किया है, इसका वाट और कैसे लगेगा जब इसके खिलाफ अगर इंक्वायरी लॉन्च होती है। जैसे क्रिप्टो में ACC ने केस फाइल किया है तो क्रिप्टो का प्राइस क्या होता था, सिर्फ हवा निकलती थी कि ACC ने फाइल किया है तो लगे भाव गिर जाता था। चलो क्रिप्टो में झोल नहीं था उसमें कुछ, वो सिर्फ फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को बाईपास करके फंड रेजिंग किया है, बट टोटल ट्रू डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स को दैट इज अलाउड, एंड इथेरियम इज ट्रू डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, लेकिन ACC ने थोड़ा सा फाइन मार के छोड़ दिया, इथेरियम पे तो केस भी नहीं हुआ। अगर इसके ऊपर इंक्वायरी निकलती है, झोल तो इसने किया ही है, इसको ज़्यादा सरकार नहीं बचा सकते क्योंकि इसको बचाने जाएगा मोदी का इमेज डाउन होगा और फिर अपोजिशन पार्टी चढ़ जाएगी, अरे अदानी अदानी का कुत्ता अदानी का कुत्ता, और जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स है यूट्यूबर्स है वो लोग तो वो ढूंढेंगे, वो सिर्फ पैसा छाप के उसको दिया ऐसा छुपके से तभी बच सकता है।
इतना ज़्यादा कर्जा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि वो बचेगा करके, उसका डूबना तो फिक्स है। सिर्फ वो इतना बड़ा है कि ऐसा लगता नहीं कि, मतलब यकीन नहीं होता जिसका प्रधानमंत्री दोस्त है वो डूब सकता है, ये अनबिलीवेबल लगता है। इसीलिए लोग सोचते कि ऐसा नहीं होगा, कुछ तो होगा, लेकिन अगर इसको पैसा छाप के दिया तो ही ये बचेगा। बहुत ज़्यादा ओवर लेवरेज है, 100% डूबेगा। और बॉन्ड अगर रिन्यूअल को अभी इतना जल्दी आ रहा है, 6 महीने में 7 महीने में, इसके पास टाइम नहीं है पैसा जमा करने के लिए, और आई डू थिंक ये डूबेगा। बचने का कोई रास्ता नहीं है। और इसके जो प्रोडक्ट्स है, चलो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, अपना क्रिप्टो जैसा लिक्विड थोड़ी है वो, लगेज इधर लोन ले गिरवी रख के एसेट्स और बेच सकता है मार्केट में, इसका तो बेच भी नहीं सकते, वो तो बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये सब बेच भी नहीं सकते। अगर दुबई का कोई शेख इसका प्रोजेक्ट्स खरीद लेता है ज़्यादा पैसे देके, तो कुछ हो सकता है, बट आई डोंट थिंक कि इसको कोई मदद करेगा, क्योंकि एक बार इतना बदनाम हो गया तो सब लोग उससे रिश्ता तोड़ देते हैं, प्रधानमंत्री भी पीछे हट जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का इमेज खराब होगा और अपोजिशन भी चढ़ जाएगा। ऑलमोस्ट सर्टन है कि ये डूबेगा 100%, FTX जैसा जीरो हो जाएगा।